पैसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं आपकी ओर, मतलब आप अपने लाइफ में परेशान हो गए हैं। पैसे आते हैं तो टिकते नहीं हैं, अगर आते हैं तो कम आते हैं, मुझे जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। इस तरह की समस्याओं से कभी आप निकल ही नहीं पाए। आप सोचते हैं चलो उम्र का इतना दौर गुजर जाने के बाद अब मैं अमीर हो जाऊंगा, अब मेरे सारे ग्रह बैलेंस हो गए होंगे, अब आखिर अब से मैं सुख का जीवन जीऊंगा या जीऊंगी। परंतु ये स्ट्रगल है जो आपके जीवन से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ये धन है जो आपके पास आने का नाम ही नहीं ले रहा। यदि आपका जीवन भी इसी हिसाब से चल रहा है कि पैसे नहीं है आपके पास और पैसे नहीं आ रहे हैं आपके पास, तब क्या करें? आज एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगी। यदि सुबह सोकर उठते हैं और आपके घर में कमियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, ये नहीं है वो नहीं है जैसे शब्द हमेशा सुनने को मिलते हैं, यदि आपके घर में भी साफ साफ समझ में आता है कि इनके घर का शुक्र ही खराब है, तभी तो कुछ है नहीं, हमेशा कमी है और कमियां आपके चेहरे पे, आपके कपड़े पर, आपके जीवन शैली में नजर आ रही है, तो चलिए कमी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आपके आपके दो तीन पीढ़ी से गरीबी देखते आ रहे हैं आपका परिवार, और अब आप चाहते हैं कि कम से कम यहाँ से मैं सुख से जीऊं, मेरे बच्चों को सुख मिले, भविष्य में सबको सुख मिले, तब सुख की व्यवस्था करती हैं। यदि ये वीडियो भी बिना सर्च किए आपकी आंखों के सामने आया है, तब आज बिना खर्च किए आपको अमीर बना दूंगी। मैं जो प्रयोग बताऊं आज के वीडियो में, बिल्कुल लिख लेना, लिख लेना। अगर प्रथम हफ्ते से आपको समझ में नहीं आई बात की पैसे कहां से आने लगे, गारंटी वाला उपाय होता है ना कोई कोई, आज मैं आपको गारंटी वाला उपाय बताने आई हूं, लेकिन जैसे मैं कहूं वैसे करना। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा, करोड़ों करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, एक छोटा सा एल्बम किए, वायरल हो गए, इतने पैसे आ गए, तो ये सब कहां से आ रहे? क्या ये शुरू से करोड़पति है? आप ध्यान से देखो, किसी गांव के रहने वाले हैं, किसी के बाप दादा बड़े सामान्य से किसान थे, कोई गाड़ी चलाता था, कोई होटल में काम करता था, तो फिर अचानक से ये किस्मत कैसे बदल गई? कौन से ग्रह अचानक से हमारी किस्मत को बदल कर रख देते हैं? क्या वो जादुई ग्रह हम पर जादू क्यों नहीं करते हैं? करेंगे आप पर भी जादू, आप अपने घर का मार्ग तो उनको दिखाओ। आप रहते कहाँ हो और वो बाहर सबको ढूंढ रहे हैं और सबकी किस्मत सवार रहे हैं, आप उनको आने का एक मार्ग बताओ। मैं कहती हूँ यदि रास्ते का पता हो, तब 2 घंटे का सफर 2 मिनट में भी तय हो सकता है। अगर रास्ता हमें मालूम है किधर से जाना है और नहीं मालूम, तो संपूर्ण जंगल में घूमते रहो पूरा जीवन, आप सड़क पर नहीं आ पाओगे। बात सही है ना? तो आज मैं आपको केवल रास्ता दिखाने आई हूँ, एक सरल सा प्रयोग जो आपके दुर्भाग्य को आपके जीवन से दूर कर देगा, एक ऐसा प्रयोग जो आपके शुक्र को इतना ज्यादा मजबूत कर देगा कि लग्जरियस लाइफ आपको मिलनी ही मिलनी है, अमीर आपको होना ही होना है। क्यों पैसे आते हैं आपके पास लेकिन टिकते नहीं, निकल जाते हैं? क्यों आप उतना नहीं कमा सकते कि खर्च करने के बाद भी एक बड़ा हिस्सा बचा कर रख सकें? क्यों आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ पा रहा है जितना आप सोच रहे हैं? ना बैंक बैलेंस है, ना एफडीज है, ना प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया, बस जो कमाया उसको आपने खाया, उसको आपने पहना, और कुछ मजबूती बोलकर नहीं है। तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, धन आने के मार्ग खुलने लगेंगे, पहले हफ्ते में आपको असर समझ में आने लगेगा, सच कहती हूँ बन जाओगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, या कोई भी काम करते वक्त प्रारंभ ओम नमः शिवाय का जप रखा करो अपने जिह्वा पर, भाग्य ना बदल जाए तो कहिएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, भाग्य बदल जाएगा। मैं अपने सारे वीडियोस मुफ्त बताती हूँ, सारे उपाय मुफ्त है मेरे भाई बहनों के लिए। मेरी तस्वीर दिखाकर, कोई वीडियो क्लिप दिखाकर कोई भी पैसा मांगता है आपसे, मत देना, वो फ्रॉड है, फ्रॉड से बचना। किसी को नहीं देने पैसे, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं, कोई नंबर जारी नहीं किया जाता है मेरी तरफ से। हाँ, जब करोड़पति बन जाओ तो 1-2 कार्य जरूर करना, सोचना दीदी ने कहा है।
किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता यदि सक्षम ना हो तो उस कन्या के विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो तो उसकी फीस जरूर भरना। और किसी भी मंदिर को प्रथम याद रखना, किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, सीढ़ियां टूट गई हैं, पेंट नहीं किया हुआ है, गेट खराब हो गए हैं, माता के कपड़े खराब हो गए हैं, झंडे खराब हो गए हैं, दिया जलाने को घी नहीं है, घंटी नहीं है, कुछ भी कर सको मंदिर में जरूर योगदान देना। प्रॉस्पेरिटी वहां से आने लगेगी, सारे ग्रह एक साथ सुधर जाएंगे। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। आज के इस वीडियो को यदि आपने क्लिक किया है तो आज खाली हाथ आप नहीं जाएंगे, और यदि बिना सर्च किए ये वीडियो आपके सामने भी आया है तो भाग्य बदल दूंगी आपका। आपको एक ट्रायंगल शेप में घड़ी लानी है, त्रिकोण, अच्छे से समझ लो। जो भाई बहन मेरे गांव में रहते हैं या नहीं समझ पाते हैं, अच्छे से बता रही हूँ, बिल्कुल हिंदी में साफ साफ, त्रिकोण त्रिभुजाकार घड़ी लेकर आनी है आपको, और अपने घर के नॉर्थ वॉल पर यानी कि उत्तर की दिशा में जो दीवार है, आप किसी भी प्लेस पर उत्तर की दिशा के साइड में इस घड़ी को लगा देना, और घड़ी के ऊपर एक लाइट की व्यवस्था कर देना। ये घड़ी है, घड़ी के सर पर एक बल्ब लगा देना। बात अच्छे से समझ में आ गई? अपने घर के उत्तर की दिशा, आप अपने घर के नॉर्थ के वॉल पर एक ट्रायंगल शेप का वॉच लगाएंगे, घड़ी लगाएंगे, और घड़ी के ऊपर एक बल्ब लगा देंगे, लाइट। आपको प्रथम ये काम करना है। इत्र खरीद कर लानी है आपको, महंगी वाली, वो नकली वाली इत्र नहीं जो बाजार में बिल्कुल 5-5 रुपए 10-10 रुपए में भी छोटी मोटी इत्र मिलती है, वो नहीं लानी है, वो नकली है। इत्र हमेशा महंगी ले, ओरिजिनल ले, आप समझ कर ले, अच्छी दुकानें होती है जहां ओरिजिनल इत्र मिलती है, रोल ऑन भी होती है। आपको इत्र लेनी है, शुक्रवार के दिन आपको अपनी इस उंगली से, कनिष्ठा उंगली के बगल में जो ये उंगली है, इस उंगली से स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाए, इस उंगली से इत्र को उठाना और अपनी नाभि पर तिलक करना, बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से नाभि पर इत्र का तिलक करें। दोनों पांव अच्छे से धो ले, पोछ ले, साफ सुथरे पैर के जो तलवे होते हैं, जो तलवा है, हाथ नहीं पैर, याद रखो, इत्र का तिलक आपको पैर के तलवे पर भी करना है। बात समझ में आ गई? दोनों पैर के तलवे पर और नाभि पर शुक्रवार के शुक्रवार आपको इत्र, ओरिजिनल इत्र जिसकी खुशबू भी अच्छी है, जिसमें वो तेल अल्कोहल ये सब ना मिला हुआ हो, इत्र का तिलक करें, नॉर्थ की वॉल पर एक घड़ी लगाएं। और कुछ नहीं करना, किसी मंत्र का जप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई पैसे का खर्च नहीं करना। आप केवल इतना करो, घड़ी जो आपने एक बार लगा दी वो लगी रहेगी, उसको बदलना नहीं है। इत्र खत्म हो जाए इत्र ले आना, एक बार इत्र लाओगे बहुत दिन चलेगा। आप सिर्फ एक बार ये प्रयोग करो ना, शुक्रवार के शुक्रवार छूटना नहीं चाहिए, नाभि पर और पैर के तलवे पर तिलक होने चाहिए। शुक्र वो खुशियां देगा आपको जो आज तक आपने नहीं कमाया ना, वो अब इतने कम समय में कमा लोगे, हो जाओगे धनवान, बन जाओगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।